तो हमने यहाँ तक 3 स्टेप से ये बना लिया था। फर्स्ट स्टेप पे इसकी बैकग्राउंड तैयार करी थी हमने, देन उसके बाद जो अपनी बांसुरी और जो हाथ और मोर पंख बनाना था, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करके अलग अलग बनाए थे। सबसे पहले ये वाले की बात करते हैं। ये मोल्डेड से बना हुआ है, मोल्डेड का प्रोडक्ट आता है पेडीलाइट का, ठीक है। ये इसमें हार्डनर और सॉफ्टनर होते हैं, दोनों को मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। तो ये उससे था। इसमें मैंने ब्लू, मेटेलिक और ग्रीन और ब्लैक हमने ऐड करके इसकी बैकग्राउंड तैयार करी थी फर्स्ट स्टेप, और इसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये वाला जो है इसमें हमने मेटेलिक ब्लू कलर ये वाला ऐड करा हुआ था, प्लस हमने इसमें ब्लैक ऐड करा था। तो इसको राउंड राउंड घुमा के प्रॉपर ब्लैक बैकग्राउंड बनाई, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमने इसका जो था, ये जो बांसुरी बनाई है कृष्ण जी की, ये बांसुरी हमने जो छोटे वाला पतले वाला बैम्बू होता है रियल, वो वाला बैम्बू लगाया है, फिक्स करा है फेविकोल से। प्लस उसके बाद जो अक्रैलिक पुट्टी आती है, ये अक्रैलिक पुट्टी आती है, ये हार्डवेयर शॉप से मिल जाती है। तो ये वाली पुट्टी से ये हाथ दोनों बने हैं राधा जी के और कृष्ण जी के, और प्लस ये मोर पंख भी इसी पुट्टी का बना हुआ है ये वाला। इसको हमने सिंपल यहाँ पे लगा के और टूथब्रश से, ओल्ड टूथब्रश से हमने इसको फैला दिया था। तो यहाँ तक हमारे 3 स्टेप कवर हैं। इसके बाद अभी ये रैप बन के रेडी है। अभी इनकी ये जो थ्रेड यहाँ से थोड़ी कपड़ा बनना है, ठीक है, वो वाला रहता है, और इसकी बैकग्राउंड को हम दोबारा रीटच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, फिर सेकंड दूसरे वाले को करेंगे, ठीक है। ब्रश इसके लिए नॉर्मल आप राउंड यूज़ कर सकते हैं, और एक फ्लैट ब्रश चाहिए होगा आपको, 12 नंबर फ्लैट में चल जाएगा, अगर 12 नहीं है तो 10 भी चल जाएगा, ठीक है। 2 से 3 ब्रश चाहिए रहेंगे, मैं 12 नंबर यूज़ कर रहा हूँ आज। सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड जो है उसको रीटच करेंगे, ठीक है। रीटचिंग करते वक्त अगर जो हमने एलिमेंट्स बनाए हैं उसके ऊपर लग भी जाएगा, टच हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाले जो लिक्विड वाले, अगर आप कलर अक्रैलिक कलर यूज़ कर रहे हैं क्राफ्ट के लिए या पेंटिंग के लिए, तो इसमें पानी ऐड ऑन कम करा करिए, कोशिश करिए पानी ऐड ऑन कम हो, बिल्कुल भी ना हो, कोशिश करिए पानी में ऐड ऑन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो इसकी जो लाइफ है वो कम होती रहेगी और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी, जिससे कि फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। और एक चीज़ इसमें दिक्कत आती है, ये जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि ये ड्राई हो जाता है, और अगर आप ट्यूब वाले कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वाटर जो है थोड़ा ऐड ऑन वो कर सकते हैं हम, क्योंकि वो ज़्यादा थिक होते हैं। इनके जो एजेस हैं प्रॉपर ना, ये कॉर्नर्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर कलर जाना चाहिए। फिर उनके बाद जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनकी डिटेल देंगे। थोड़ा बाहर को भी फैला दीजिए पूरा पूरा। जब भी आपने ब्लैक ऐड करना है तो ब्लैक आपने बिल्कुल बहुत ही रेयर कम लगाना है, बिल्कुल ब्रश को ड्राई करके, ठीक है। अभी ऐसे ब्रश को ड्राई कर लिया, फिर हल्का सा ब्लैक लगाना है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे लगा के इसको हल्का हल्का मिक्स करते आइए अंदर को। कि आप डायरेक्ट ऐसे लगा के और अप्लाई करोगे तो ब्लैक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप टिश्यू पेपर या कपड़ा यूज़ कर लीजिए, वेस्ट कोई भी। थोड़ी बैकग्राउंड हमारी तैयार है, ठीक है। इसके बाद हम ये जो बांसुरी है पहले, ठीक है, और इनके हाथ जो हैं उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं रेफरेंस एक साइड रख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे साथ के साथ। अभी बैकग्राउंड का काम हमारा खत्म हो गया। ये मैंने अलग अलग से शेड्स निकाल के जो इस पूरे आर्टवर्क को बनाने के लिए हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी रेफरेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले बांसुरी है, इसमें को हमने उस दिन भी एक शेड तो लगा दिया था, एक कोड तो कर दिया था। अब सेकंड कोड करेंगे हल्का हल्का सा। फिनिशिंग का ध्यान रखना है प्रॉपर ना, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। फिनिशिंग का एक और तरीका है, जैसे आप जब भी कोई डिटेलिंग वाला काम करते हैं ना, ब्रीक काम, तो ट्राई करिए, अगर हो पाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से होएगा। वैसे तो जब आप मान के चलो अभी यहाँ पे हमने ब्रश रख लिया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रोक लगाना है आपने ब्रश का, तो अपनी सांस को थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि जब हम सांस लेते वक्त साथ के साथ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हल्का फुल्का इधर उधर होता रहता है ब्रश। तो ये बांसुरी हो गया, इसको सूख लेंगे। उसके बाद इनकी ये जो डिटेलिंग वाला काम है, ठीक है, तो ये बाद में करेंगे। तो अभी हम इनके कृष्ण जी के हैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर ब्लू है, मैं हल्का सा ग्रीन शेड ऐड ऑन करूँगा इसमें। पहले हम ऐसे वो मोटा मोटा ऊपर से कतर लगा के छोड़ देंगे। जैसे इसमें 2 शेड्स हैं ना, हल्का वाइट है बीच में से, तो वो शेड ऐड ऑन करेंगे बाद में हम। ऐसे लगा के छोड़ देना है, इसकी मिक्सिंग बाद में करेंगे। इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो कर लेने आपने कंप्लीट। अब इसमें ऐड ऑन करेंगे हल्का वाइट सेंटर वाले पार्ट में मिक्सिंग के लिए, ठीक है। इसको ऐसे पैचेस से हम फैला देंगे हल्का हल्का साइड को। तो साथ के साथ मिक्सिंग के वक्त ना ब्रश को ड्राई करते रहना, जितना ड्राई करोगे वो उतना अच्छा मिक्स होएगा। फिंगर्स की जो डिटेलिंग है साइड की ना उन्होंने दी हुई है वाइट से। यहाँ पर हैंड की थोड़ी सी डिटेलिंग देंगे। अच्छा, तो अभी हम राधा जी का जो हैंड बनाना उसके लिए स्किन टोन बनाने के लिए आप पहले बेबी पिंक कलर बना लीजिए। बेबी पिंक के लिए हम रेड कलर और वाइट का मिक्स करते हैं, और जब बेबी पिंक बन जाएगा उसमें हल्का सा आपने लाइट येलो ऐड ऑन करना है, तो ये एग्जैक्ट वही टोन बन जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इसको ऐड ऑन करेंगे, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले आपने फ्लाइट ही करना है, उसके बाद मिक्सिंग देनी है उनकी। जैसे ये जहाँ से लाइट है, यहाँ से लाइट आप देखोगे ये उन्होंने येलो और ब्लैक ऐड ऑन करा हुआ है, सॉरी जहाँ से लाइट है उन्होंने येलो, ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आ रही है तो येलो शेड आ रहा है, ठीक है, और हल्का सा वाइट ऐड ऑन है। तो पहले हम डायरेक्ट कलर अप्लाई करके छोड़ देते हैं। वाइट येलो। यहाँ पे जो डार्क टोन है, ये वाली जो लाइंस आ रही है ना उंगली के बीच की, जो फिंगर की उनकी शेडोज़ है। जैसे ये देखो मेरे हाथ में शेडो बनेगी दो उंगलों के बीच में, तो उसके लिए हम डायरेक्ट ब्राउन जो है वो ऐड हम करेंगे। यहाँ पे से ज़्यादा लग गया है तो वहाँ से हम उठा लेंगे पानी के साथ। ये रेडी। अभी इनके कृष्ण जी का जो गोल्ड और इनकी अंगूठियों को बनाएंगे हम। उनके लिए इन्होंने गोल्ड डायरेक्ट यूज़ करा है। गोल्ड के साथ हम थोड़ा सा येलो ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि गोल्ड जो मेटालिक आता है ना इसके 2 से 3 कोट लगाने पड़ते हैं, तो इसका अच्छा बेस बनाने के लिए इसके साथ हम ना येलो ऐड ऑन करेंगे। येलो कलर में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसीलिए हम ना इसको डबल कोट करेंगे। अब इसमें शेड देने के लिए हम लाइट येलो ऐड करेंगे इसके साथ। अभी ये बैंगल्स और इनका जो है अभी जो बैंगल्स और ऊपर से जितने भी पार्ट्स हैं हम इनको भी 3D बनाएंगे। तो ये एक्रेलिक पुट्टी हम इसको अप्लाई करेंगे। मुझे भी जैसे बैंगल्स की डिटेलिंग देनी है ना हमने, तो इसके लिए ब्रश को ड्राई करके ऐसे लाइनिंग निकाल देंगे। जैसे ये सिंगल है तो इसके लिए भी सेम हम हल्का हल्का ब्रश के ऊपर लगा के इसको फैलाएंगे। कुछ ज़्यादा फैलाओगे तो वो पतली नहीं बनेगी फिर। सेम प्रोसेस ड्राई ब्रश से जो एक्स्ट्रा आएगा उसको उठा लेंगे। अब कृष्ण जी वाले साइड हम इसको अप्लाई करेंगे। पहले आप उस शेप में इसको फैला दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया था ना आपको? ठीक है, इसके लिए अगर आप थोड़ा मतलब फिनिशिंग का प्रॉपर चाहिए तो आप पतले वाला ब्रश ले लो, अराउंड 2 नंबर ब्रश भी यूज़ हो जाएगा। अभी ये वाली जो डिटेलिंग्स है इसके लिए हम सिंपल पतले वाला चाहे तो आप 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर लो अगर वो है ठीक है। अगर एंगुलर ब्रश है तो आप वो भी यूज़ करो। एंगुलर की ये वाली नोक यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें हल्का सा ब्राउन ऐड करना है बस। उसके बाद ये जो स्टोन्स दिए हैं कलरफुल ये वाले लगा देंगे। डार्क ग्रीन है। तो अभी इनके बैंगल्स राधा जी के जिस डायरेक्शन में बनाया तो उसी डायरेक्शन में ब्रश चलाना है। फर्स्ट टाइम इसकी जो शेड है वो येलो आएगी, उसके बाद इसको गोल्डन डायरेक्ट जो है उसको अप्लाई करेंगे। हाँ इसके ऊपर आएगा अभी, ये बेस कोड है बस। इसके ऊपर जो ऑक्कर येलो है ये वाला आएगा अभी, ये लाइट येलो शेड करा हुआ है, लेमन येलो। फीस आप ही की रहती है ना बेटा? हाँ जी सर, वो ना सर मेरी बात कम सुनते हैं, मैंने 2-3 बार कह दी है। और एक ना थोड़ा इसकी कमर में दर्द है, तो बैंक नहीं जा सकते, मतलब ऑनलाइन पे करने के लिए तो बैंक जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि पता क्या वो 3 मंथ का हो गया ना, तो फिर अदरवाइज क्या एग्जामिनेशन में इशू हो जाता है। फिर ऐसे क्या है वो, क्योंकि ये कोर्स भी ऑनलाइन है, बाद में 6 महीने करके बच्चे बाद में बोलते हैं सर हमें नहीं करना। नो सर ऐसी तो बात नहीं। हाँ नहीं ऐसा वो तो चलो, क्योंकि पिछले साल भी एक बैच में बच्चा था वो, उसने पहले 2-4 मंथ करा, फिर बाद में 6-7 मंथ के बाद लीव कर दिया भी मुझे नहीं करना। अभी सडनली एकदम से आके बोलते हैं सर हमें सर्टिफिकेट दे दो, तो फिर बाद में इशू हो जाता है ना, क्योंकि आपका भी साल खराब होएगा, तो ये इशू हो जाता है आगे जाके। चलो अभी ये बन गया है, और ये जो ऑरेंज है इसके ऊपर हमने जस्ट वहाँ जब क्लास बनती तब कर दिया था एक बार। अभी मैं दोबारा से ना गोल्डन का टच दूंगा, क्योंकि उसमें गोल्डन आ रहा है हल्का हल्का। ये देखो गोल्डन डायरेक्ट यूज़ करा अपन ने, तो डायरेक्ट यूज़ करने का नीचे वाला ऑरेंज फिर भी दिख रहा है ना, तो ये ट्रांसपेरेंसी देता है डायरेक्ट गोल्ड। डायरेक्ट गोल्ड वहाँ यूज़ करो जहाँ पे आपने सिर्फ शाइन देना है, अदरवाइज नीचे वाला आपका एलिमेंट छुपाना है, तो उसके लिए इसमें येलो ऐड करके यूज़ करो हमेशा। अपना फीस करवा देना बेटा कल तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो आगे एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी। हाँ क्योंकि आप बहुत पिछले मंथ से कल कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, जितना भी बुरीक वाला काम है वो कोशिश करो डिटेलिंग में, जो थोड़ा पेशेंस रख के करना है। जब दुपट्टा हो जाएगा उसके बाद दुपट्टे में अभी जो ऑक्कर येलो ये वाला यूज करेंगे। इस वाले बोर्ड और कैनवस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, इसमें थोड़ी फिनिशिंग तो आ जाती है, लेकिन जो लाइट कलर होते हैं जैसे येलो हो गया, ठीक है, गोल्डन हो, इसको ऐसे ही आराम से बचा के कर लो। कोशिश करो उसी डायरेक्शन में चलाओ ब्रश जिस डायरेक्शन में हमने इसको वेव्स को दिखाना है। हाँ जी, आज स्टूडेंट को पता तो था ना वर्कशॉप है आज? नहीं, शायद आज पता नहीं है क्योंकि हम भी रिमाइंडर लगाना भूल गए थे, तो इसलिए किसी ने ज्वाइन नहीं करा मैं भी ना। बाकी वैसे भी हम कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग सेशन भेज ही देंगे कम्युनिटी में ना। ये कम्युनिटी में नहीं भेजा किसी को, क्योंकि मेरे को तो अभी चलो जो डिप्लोमा कोर्स वाले बच्चे हैं उनको भेज देते हैं अकेला, बाकी उनको दे देंगे रिकॉर्डिंग क्लास सिर्फ। एक तो हफ्ता जाया कर दिया उन्होंने, सरकार ने नेटवर्क क्लोज कर दिया पंजाब में। आपने पहले डिप्लोमा करा हुआ है कोई? ओके, मतलब ऐसे शौक ही आपको? हाँ जी सर, स्टार्टिंग से ही था मतलब। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। वैसे बनाया तो नहीं अभी तक कुछ भी, मतलब ऐसे हॉबी है कि कुछ करूं मैं ऐसे। चलो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता। ठीक है सर, इसकी मतलब जॉब होती है क्या इसकी? हाँ, इसकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जॉब भी होती है, अलग आर्ट के टीचर की भी जॉब होती है अलग अलग। आप प्राइवेट किसी भी स्कूल में अगर अप्लाई करोगे तो नॉर्मल स्टार्टिंग हो जाती है 10-15 हज़ार से। अगर वो नहीं करना चाहते, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, तो फिर आप क्राफ्ट की क्लासेस ज़्यादा करा करो, क्योंकि शशि में आते हैं ना हमारे सेशन में जैसे, हाँ वो करते हैं क्राफ्ट का, तो क्योंकि क्राफ्ट से अर्निंग सोर्स अच्छा हो जाता है। आर्ट से उतना नहीं होता क्योंकि पेंटिंग कोई सेल नहीं होती ज़्यादा मोस्टली, तो क्राफ्ट में ऐसा होता है जैसे फ्रिज मैग्नेट हो गए छोटे छोटे, है ना, तो वो 100-100, 200-200 रुपए के बिक जाते हैं। इयररिंग्स बन जाते हैं, ज्वेलरी मटेरियल जितना भी होता है प्रॉपर। जैसे ये गोल्ड आया हुआ है प्रॉपर ना, तो प्रॉपर देना है तो सब हल्का सा ऑकर येलो और गोल्डन का पहले नीचे बेस बनाओ, जैसे हमने ये बना लिया है ना, तो अभी डायरेक्ट हम इसके ऊपर गोल्डन करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट गोल्डन लगाओगे तो उसके 3 से 4 कोड लगाने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत देता है ये कलर। अभी एक बार इसको लगा के छोड़ेंगे, देन इसके बाद जब ड्राई हो जाएगा सेकंड कोड एक और लगाएंगे गोल्ड का प्रॉपर, तभी इसका शेड आएगा गोल्डन का। अभी इतना रेडी है, स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके लिए बेटर है अगर जैसे भाई ये तो नीचे वाला कलर अभी ड्राई नहीं हुआ है, तो हम ऐसे हाथ तो रख नहीं सकते, तो कोई स्पेस देखो जहाँ तक आपका हाथ कंफर्ट मूव कर सकता है, और जो स्मॉल फिंगर है अपनी छोटे वाली वो नीचे टच कर लो, उसका बेस बना लो, तो उससे बेनिफिट होएगा आपका भी। जब आप स्ट्रोक लगाओगे ना तो स्ट्रोक लगाने में दिक्कत नहीं होएगी और ब्रश इधर उधर नहीं होएगा, उससे प्रॉपर सही लगेगा। अदरवाइज समटाइम क्या होता है, हाथ मूव करना अलग अलग इधर उधर मूव कर देता है। अब ये देखो, अभी इसका प्रॉपर गोल्डन आने लगा है इफेक्ट। तो अभी हम जो मोर पंख का अनकम्प्लीट था उसको करेंगे, ठीक है। ये वाला लगा के छोड़ दिया था। इसका मैं फिर प्रोसेस बता देता हूँ क्योंकि उस दिन क्लास क्लोज हो गई थी। सबसे पहले हमने जो डार्क ग्रीन है, हल्का हल्का डार्क ग्रीन यहाँ से ऐसे ऐसे बाहर को लगाया। फिर हमने ये वाला जो लाइट ग्रीन है, ये दिस वन लाइट ग्रीन को उसके साथ मर्ज करा। देन उसके बाद हमने ये जो गोल्ड और ऑकर येलो मिक्स करके उसको करा यहाँ तक। ये देखो तीसरा शेड आ गया। फिर चौथा शेड जो हमारा ऑरेंज आया, ऑरेंज वाला शेड जो है उसको हमने हल्का हल्का अंदर को, ये वाला हल्का हल्का अंदर को मिक्स करता रहा। और ये मिक्स ध्यान से करना है, साथ के साथ ही करना है। ये देखो प्रॉपर मिक्स हो रखा है, मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। अगर साथ के साथ नहीं करोगे तो नीचे वाला कलर ड्राई हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें मिक्स नहीं होएगा, मर्ज नहीं होएगा, कहने का मतलब है। तो लास्ट में यहाँ तक आप देखोगे हल्का हल्का रेडिश आ रहा है, रेडिश, और ये इसीलिए आपको फ़ोटो में दिख रहा है रेडिश, लेकिन ये ब्राउन शेड यूज़ करा होगा यहाँ पे। तो ये जो 3-4 अलग अलग से पंक्तियाँ इसकी निकली थी, ये इसको ग्रीन करके गोल्डन से, हमें पता है गोल्डन ट्रांसपेरेंसी छोड़ता है ना, तो उसको वही से येलो ऐड करेंगे हल्का। पीछे ड्राई नहीं है प्रॉपर ना। चलो फिर भी बचा बचा के हम कर लेते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे ज़्यादा अगर लगता है तो उठा लिया है। उठाने के लिए आप कॉटन यूज़ कर लो या तो, या फिर जैसे ये मैंने रखा हुआ है छोटा सा एक मेकअप वाला ना टूल, तो वो रख लो। ये ना रेड मिक्स हो रहा है। चलो फिर यहाँ पे थोड़ी फिनिशिंग देने वाली है, जैसे ये येलो मर्ज हो गया है ना इसमें, यहाँ बैंगल्स के पास देने वाली है। तो रॉयल ब्लू कोई डिटैचिंग देगा। ये जब आपका पूरे का पूरा एलिमेंट बन के रेडी हो जाएगा ना, तो तब थोड़ी बहुत रीचेकिंग करके देख लो कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है थोड़ी बहुत डिटेलिंग देने वाली है, तो आप वो दे सकते हो। उसको हल्का हल्का से लगा के ड्राई कर लेंगे ब्रश को, तो उसको फैला देंगे धीरे धीरे से। बाकी तो ऑलमोस्ट डन है। कहीं पे आपको लगता है थोड़ा कलर डल हो चुका है, तो इसका मतलब वो नीचे वाला जो बेस है वो कलर को सोख चुका है ना, तो उसको साथ के साथ डबल कोट लगा दो। बिल्कुल ही हल्का सा। बस इतना सा काम था। या आपने कोई एक क्राफ्ट का बना के दिखाना चाहे तो यही बना लो सेम, ठीक है। अगर ये बनाना है तो आपके ऊपर डिपेंड है, मोल्डेड से बनाओ। तो अगर आपने ये नहीं बनाना है तो आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक पेंटिंग दिखाई थी ना, तो मैं वो दिखा देता हूँ। आप पुराने घर में जैसे अपने छोटे मोटे कपड़े पड़े होते हैं ना, तो फैब्रिक को यूज़ करके ये बना सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये कैनवस है, ये 6x6 के 2 कैनवस यूज़ करे हुए हैं। चाहे वो आप किसी एक कैनवस को एक बोर्ड पे भी बना लो, आप इसको दीवार में ऐसे गैप करके डाल के थोड़ा मॉडर्न आर्ट का टच दे देता है। तो ये यूज़ कर लो। अगर आपने ये थ्रेड नहीं यूज़ करा, सॉरी थ्रेड कह रहा हूँ, फैब्रिक यूज़ नहीं करना है, बेस्ट नहीं पड़ा है आपके पास, तो आपके पास मोल्डेड पड़ा है। मोल्डेड से कोई भी डिज़ाइन बना लो, कोई फ्लावर बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, कोई एक चीज़ बना के सबमिट कर दो, तो उसको हम अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता है जैसे मार्केट से जहाँ कोई आइडिया है आपने वही बनाना है, एग्जैक्ट कॉपी करना है। आप अपना बजट देखो, बस आपके पास मेन क्या चीज़ होनी चाहिए, आपके पास जो बेस के लिए है वो बनाने के लिए होना चाहिए, किसके ऊपर बना रहे हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास जो कंपलसरी है, 2 चीज़ें कंपलसरी होती हैं आपके पास, कलर और जो बेस बनाने के लिए। बाकी डजेंट मैटर, आप अपना अल्टरनेटिव ढूंढा करो भी, ताकि आपके पास आस पास क्या बेस्ट पड़ा है उसको यूज़ करके क्या बना सकते हो। आपका हमारा पर्पज़ तो मेन यही है ना कि हमने इसको 3D बनाना है। अभी जैसे मान के चलो ये फैब्रिक से भी बनाते हैं ना, तो हम हाथ की ऐसे ऐसे शेप काट कर लेते हैं, ठीक है, कट करके शेप को तो उसको फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पतले वाला बैम्बू लगा दिया, मोरपंख है, मोरपंख वो थ्रेड को ऐसे मान के चलो, थ्रेड को इस शेप में काटा, देन उसको ऐसे ऐसे एक एक धागा निकाल देते, वो ऑटोमेटिकली एक एक धागा हो जाता, तो वो इससे भी अच्छा इफेक्ट आता ना। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, आपने यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है ना। तो कभी भी इस चीज़ के पीछे मत दौड़ा करो भी, जो चीज़ आपने गूगल से या नेट से देख के तो एग्जैक्ट वही चीज़ बनानी है, या जो किसी ने भी, चाहे मैंने या किसी और ने भी करवाई है, वर्कशॉप में ऐसे करवाया था हमें, तो हमने वही करना है। आप अल्टरनेटिव देखो।